तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शाओमी की दो चट्टी एंड बट्टी ब्रांड के फोन को कंपेयर करने वाले हैं। तो अपनी जो चट्टी ब्रांड है ना भाई, ये मेहनत मजदूरी के साथ फोन बनाती है ऐसे खून पसीने के साथ, बट बट्टी ब्रांड क्या करती है ना, उसको भट्टी में डालती है एंड उस पर बट्टी का थप्पा लगा देती है एंड बेच देती है, बस यही करती है वो। कुछ भी मजाक बेकार था तो मैंने थोड़ा सा ही करा, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले पोको के फोन को Redmi के फोन के साथ। वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो दोनों ही फोन आपको मिलते हैं, ये आपको चाइनीज फोन मिलते हैं, तो अगर आप लोग नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। तो हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले पोको एम टू को Redmi नोट 9 के साथ एंड बता दूंगा आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन आपको मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही फोन के अंदर 1000 का फर्क है। तो बताने वाला हूँ आप लोगों को 1000 ज़्यादा लगाने चाहिए Redmi नोट 9 के लिए या फिर आप लोगों को पोको एम टू ही ले लेना चाहिए। तो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना एंड हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। अब करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने Redmi Note 9 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पंच होल नॉच मिल जाएगी, बैक आपको प्लास्टिक की मिलेगी एंड बैक साइड के अंदर आपको चार कैमरे मिल जाएंगे। तो वहीं चल लेते अपने Redmi 9 Prime, मतलब एक ही बात है, Redmi 9 Prime बोल दो या पोको M2 बोल दो, बट हम बात कर रहे हैं पोको M2 की। तो अभी बात कर लेते हैं पोको M2 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। इधर आपको 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैक मिल जाएगी, इधर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा बैक साइड के अंदर एंड बैक साइड अंदर आपको चार कैमरे मिल जाएंगे। तो वही बात कर लेते हैं कैमरास की। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने Redmi Note 9 के साथ। तो इधर आपको बैक साइड के अंदर चार कैमरे मिलते हैं। जो आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है। तो वही बात कर लेते हैं अपने Poco M2 के कैमरास की। तो इधर भी आपको बैक साइड के अंदर चार कैमरे मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। तो वही चल लेते हैं दोनों ही फोन के काफी तगड़े डिपार्टमेंट में एंड दोनों ही फोन के ना, मतलब जो वैल्यू फॉर मनी फोन बनाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है फोन के अंदर। तभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेसर की। तो शुरुआत करते हैं अपने Redmi Note 9 के साथ। तो इधर आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिलेगा, जो आपको 12 nm का मिलेगा, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Mali G52 का आपको GPU मिल जाएगा। तो वहीं चल लेते हैं अपने Poco M2 के प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। तो इधर आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर मिलेगा, जो आपको 12 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Mali G52 का आपको GPU मिल जाता है। वैसे अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो एंड सोशल मीडिया मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। ओए होए, अब ये करके दिखाओ कुछ भी कुछ भी। तो वही बात कर लेते हैं Redmi Note 9 की बैटरी की। तो इधर आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 18W की फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जहां दूसरे फोन 10-10W का चार्जर दे देते हैं, कम चार्जर दे रहे हैं, वहीं Redmi ने अपना दिल बड़ा करा एंड यहाँ पर 22.5W का चार्जर दे दिया। तो मतलब 18W की फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको 22.5W का चार्जर, बड़ा दिल हो तो Redmi जैसा भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। एंड इधर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। तो वही बात करते हैं अपने पोको एम टू की। तो इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 18W की ये फोन भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको 10W का ही चार्जर मिलता है एंड इधर भी आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। तो वही बात करते हैं Redmi Note 9 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा, बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट्स के अंदर मिल जाएगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, सारे सेंसर मिल जाते हैं, IR ब्लास्टर मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, MIUI 11 मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है। तो वही बात करते हैं अपने M2 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर भी आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट्स के अंदर का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, MIUI 11 मिल जाता है, पोको लॉन्चर मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है एंड ये फोन भी आपको स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो वही बात कर लेते हैं रोकड़े कितने के अंदर कितना। तो वही बात कर लेते हैं पैसों की, कितने फोन कंट्रोल। वहीं बात कर लेते हैं पैसों की, कौन से फ़ोन के अंदर आपको कितनी जीबी रैम एंड रोम मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपने Redmi Note 9 के साथ। तो इधर आपको 4GB रैम 64GB की रोम मिल जाएगी 12000 के प्राइस पर। वहीं बात कीजिए अपने Poco M2 की, तो इधर आपको 6GB की रैम एंड 64GB की रोम मिल जाएगी 11000 के प्राइस पर। तो अभी आप लोग हो गए होंगे भाई कन्फ्यूज़ कि मेरे को ऐसा कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो आपको बताता हूँ भाई, दोनों फ़ोन काफ़ी तगड़े हैं, दोनों फ़ोन वैल्यू फॉर मनी फ़ोन आपको मिल जाते हैं, बट स्टिल अगर आप लोगों का बजट है 12000 का तो आप लोग जा सकते हो Redmi Note 9 की तरफ। बेशक कहते हैं अगर आप लोगों को 6GB की रैम नहीं चाहिए, अगर आपकी 6GB की रैम बिल्कुल प्रायोरिटी है, मतलब मेरे को ये तो चाहिए ही चाहिए फ़ोन के अंदर 6GB की रैम,
तो आप लोग जा सकते हो अपने पोको M2 की तरफ। वैसे पोको M2 पे एक फायदा हो रहा है, उधर आपको एड्स वगैरह नहीं मिलती पोको लॉन्चर के साथ, तो ये चीज काफी सही है कि पोको फोन के अंदर आपको एड वगैरह भी नहीं मिलती, तो ये चीज बढ़िया है। अगर आप लोगों को ज्यादा रैम चाहिए एंड एड वगैरह नहीं चाहिए तो आप लोग पोको के फोन की तरफ जा सकते हो, वरना ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट के अंदर अपना Redmi Note 9 जीत जाता है। जो बात कर लीजिए प्रोसेसर की, देखो 8 जो आपको मिलता है G80 का प्रोसेसर पोको M2 के अंदर वो अच्छा है, बट लेकिन G85 थोड़ा सा अच्छा और आपको मिल जाता है। तो वहीं बैटरी के अंदर आपको चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है। कैमरा भी इधर आपको इंप्रूव मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी सही है। एंड सेल्फी भी आपको इंप्रूव मिल जाती है, तो ये चीज़ भी सही है। तो मतलब दोनों में से अगर मेरे को कोई एक पिक करना हो तो भाई मेरे को ना ऐसे 6GB की रैम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, ऑलमोस्ट अच्छी स्पेसिफिकेशन मतलब एक तगड़े फ़ोन के आगे, तो मेरे को Redmi Note 9 इधर ज़्यादा पसंद आया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया है, आप लोग की क्या राय है, सोचना है, विचार विमर्श आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो सो इतना था, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड मेरे पीछे क्या चल रहा था सोशल जनता, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया है। बाकी मिलता है कल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।